4.9 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है सबसे पहले, तो उसमें क्वेश्चन नंबर टू आ रहा है 8x² इक्वल टू y², तो इधर से हमने इसको कर लिया, क्वेश्चन पूरी बना ली, 8x² माइनस y² इक्वल टू जीरो कर लिया। अब दूसरी हमारे पास उसने दी हुई है x² प्लस y² प्लस 2y² इक्वल टू 19। अब इसमें हमारे पास वो कह रहा है कि आप इसको u और v सपोज करके करना है, u और v सपोज करके कर लो, अगर u और v सपोज करके नहीं करना तो आप डायरेक्टली इसको आंसर मतलब कर सकते हो, ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे आपने लास्ट टाइम किया था, इसमें इनके कोफिशियंट कंपेयर कर लो, इसमें भी वही काम करना है, इसने कोफिशियंट कंपेयर करने। अब ये देखें इसमें 2 नहीं आ रहा वाई के साथ, सिंपल अगर इनको ऐड करें 2, अगर इधर 2 होता सिंपल वाई के साथ 2 इधर होता तो हम ऐड करते तो ये दोनों कट जाने थे, इधर से वाई की एक्स की वैल्यू आ जानी थी हमारे पास, कोई ना कोई वो हमने वाई में पुट कर देनी थी, हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाना था। तो इसको मैं ना आपको करता हूँ उसमें वाइट बोर्ड पे नोट पे, अब देखिए हमारे पास पहला इक्वेशन थी 8x² माइनस y² इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन आपके साथ क्या थी, x² प्लस 2y² इक्वल टू 19। हाफ साहब आवाज आ रही है? यस सर आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है। अच्छा अभी ये हमारे पास क्वेश्चन है दो, अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और सिंपल ऐड कर दें सेकंड इक्वेशन में, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अच्छा अभी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी 16x² माइनस 2y² इक्वल टू जीरो, और इधर से हमारे पास बन जाएगा ये वाली इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी, x² प्लस 2y² इक्वल टू जीरो, सॉरी 19। सिंपल ऐड करना है इन दोनों क्वेश्चन को, ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिलेशन होगी, ये बन गया हमारे पास 17x² इक्वल टू 19, इधर से x² इक्वल टू आ गया 19/17, इधर से x के आंसर हमारे पास क्या आ जाएंगे, x के आंसर हमारे पास आ जाएंगे अंडर रूट प्लस माइनस 19/17। एक दफा प्लस वाला आंसर हमने पुट करना है इस क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में पुट कर दो, एक दफा हमने माइनस वाला पुट करना है, तो x का आंसर जब हम प्लस वाला पुट करेंगे x इक्वल टू अंडर रूट 19/17, पुट इन वन कर ले, पुट इन वन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 8, x का आंसर आ गया हमारे पास 19/17 का अंडर रूट इस सब का होल स्क्वायर माइनस y² इक्वल टू जीरो, तो इधर से y² दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा हमारे पास, सिंपल y² बन जाएगा, तो इधर से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 8, और ये हमारे पास कैंसिलेशन हो जाएगा, 8 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 19/17, तो इधर से हमारे पास y के दो आंसर आ जाएंगे, x का हमने एक आंसर पुट किया, x का हमने आंसर पुट किया 19/17, तो हमारे पास y के दो आंसर आ गए, इसी तरह इधर भी हमारे पास 19/17, तो इधर y का एक दूसरा जो आंसर आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो इसी तरह अब जब हम माइनस पुट करेंगे तब भी इसका आंसर यही आएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यू इसको क्या कर देगी, माइनस को प्लस कर देगी,
तभी हमारे पास यही दो आंसर आएंगे। इसने भी वही काम किया है, सारे का सारा वही काम करने के बाद इसने क्या किया हुआ है ये देखें। वो देखें अंडर रूट 19/17 जो हमने फाइंड आउट किया है, तो वही आंसर इसने जब दूसरे में पुट किया है तो वाई के हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, तो वही वाई के दो आंसर हमने इधर लिख देने। मुश्किल नहीं है, मतलब वही क्वेश्चन वही है सारे का सारा। देखें उसमें भी अंडर रूट 17 नीचे आ रहा था और ऊपर आ रहा था 8 into 19, और उसको हम लिख सकते हैं 4 into 2, 4 का अंडर रूट हमारे पास बाहर आ गया और 2 आ गया, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 19 को, वो 38 हो गया, तो वो हमारे पास उधर से आंसर क्लियरली बन गए थे हमारे पास। तो ये हमारे पास इनका रिजल्ट है, इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आफर साहब? आफर साहब सर चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 3 में ये स्टेटमेंट आ रही है हमारे पास। इस स्टेटमेंट में हमारे पास आ रहा है 2x² - 8 = 5y², और इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं 2x² - 5y², 8 दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया हमारे पास, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ रही है x² - 13 = -2y², उसको भी तरतीब से लिख लिया, -2y² इधर आके हमारे पास प्लस हो जाएगा, और 13 दूसरी तरफ जाके माइनस था वो भी प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस की जगह प्लस आना था। आना था प्लस हमारे पास, तो अगर तो आपने इसी तरह इनके तरीके से करना है, इनके तरीके से करना है, अदरवाइज आपके पास है मेथड, आप सिंपल इन दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, अगर कॉफिशियंट कंपेयर करने, कॉफिशियंट कंपेयर करके उधर से वैल्यू पुट कर दें। अगर ये भी मेथड नहीं है तो थर्ड मेथड आपको याद होगा कि एक में से वैल्यू निकाल लें x² की, दूसरी वैल्यू में मतलब x² जहां जहां आ रहा है वहां x² की वैल्यू पुट कर दें, तो वहां फिर वो क्वेश्चन सारी की सारी वाई में बन जाएगी, तो वहां से वाई के आंसर आ जाएंगे, तो वाई के आंसर किसी क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 में पुट कर दें तो वहां से आपके पास आ जाएंगे आंसर एक्स के। नेक्स्ट इसके हाफिज साहब नेक्स्ट, सर इसका नेक्स्ट है 5। बल्कि ये आप लोग अब खुद ही कर लोगे, ये बहुत आसान है, मतलब मुश्किल नहीं है, मतलब ये सारे क्वेश्चन है ना, ये देखो अब ये इसने क्या किया हुआ है, अब इसमें मतलब इसमें से एक में वैल्यू निकाल ली है और दूसरे में पुट कर दिए, पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर लिया एक्स और वाई का आंसर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नहीं किया उसका 4.8 के लास्ट 2 क्वेश्चन सेम एज इट इज ही है, तो इनमें से वैसे नॉर्मली पेपर में कम ही आता है क्वेश्चन, आता ही नहीं, बल्कि पहली बात तो ये है जस्ट इसमें आपको पता होना चाहिए होमोजीनियस क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं जिसमें दोनों क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो और दो ही वेरिएबल हो, टू क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैविंग टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट जो जो क्वेश्चन है उसमें से है कोई क्वेश्चन? सर बस 8 और 10 है। नहीं, इसकी एक्सरसाइज के हो गए, इसको छोड़ो, ये 4.10 में से जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। सर बात समझ नहीं है मुझे। मैंने कहा 4.10 एक्सरसाइज में से है क्वेश्चन, ठहरे मैं देखता हूँ, मैं देखता। जी
यस सर, 400 सवाल हैं, दो चलो पांच चार छः। सही हो गया। कौन कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, इसमें हम हमारे पास स्टेटमेंट्स दी होंगी, इस स्टेटमेंट को हमने सोल्व करके, मतलब सोल्व करके हमने वही सोल्यूशन ही फाइंड आउट करने हैं, रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं। स्टेटमेंट को मतलब बनाने का तरीका कार क्या है इसमें? अब हाफिज साहब स्टेटमेंट पढ़िएगा इसकी। द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। ठीक है, अब उसने कहा है सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वेयर इज 380। 380। हाँ, तो फाइंड द, हमारे पास फाइंड हमने करना है फाइंड द नंबर। अब ये देखें, लेट कर लिया हमने एक नंबर एक्स, आप कोई और पुट कर सकते हैं, आप ए पुट कर लो, और उसका स्क्वेयर क्या बनेगा? एक्स स्क्वेयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कुछ कंडीशन है उसमें उसने बोला है कि इन दोनों का सम किसके बराबर है? 380 के बराबर है। तो इधर से हमारे पास ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 380। अगर तो आपके पास पेयर्स इजीली बन जाते हैं, 2 9 30 8 होता है, 20 और 19 पेयर्स बन गए, 20 में से 19 माइनस करेंगे तो एक्स आ जाएगा, 20 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 380 बन जाएगा। तो इधर से एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 20 आ गया, माइनस 19 कॉमन आ गया, एक्स प्लस 20 आ गया। तो इधर से एक्स माइनस 19, एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0, इधर से एक्स माइनस 19 इक्वल टू 0, 19 आंसर आ गया, एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0, माइनस 20 आ गया। तो अब ये हमारे पास जो है ना, आपको पता है उसने इनिशियल में क्या बोला है? शुरू में आंसर में हमने आंसर जस्ट देना है एक्स इक्वल टू 19, उसने बोला है पॉजिटिव नंबर, तो इसका आंसर इधर नेगेटिव आ रहा था, तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारे पास इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इम्पॉसिबल बीइंग नेगेटिव, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। ये पेपर में काफी दफा आ चुका है ये सवाल ना। एज ए शॉर्ट या लॉन्ग? शॉर्ट 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 में नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर फोर, द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5, फाइंड द नंबर। सर ये तो बड़े आसान से हैं हाँ, इजी है, मतलब बहुत आसान सर, है। ये हाँ 9 में किए हुए हैं हाँ वही सेम वही क्वेश्चन है, कहता है ना एक सर। हमारे पास लेट कर लिया हमने एक्स, और इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है? 1 ओवर एक्स। तो इन दोनों का सम किसके बराबर है? 25 ओवर। अब 5x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 5x², और इधर बन जाएगा हमारे पास +5, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 25 तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो इधर से हमारे पास बन जाएगा 5x², बल्कि नीचे उसने किया होगा। ये आ गया हमारे पास, ये सीधे सीधे पेयर्स भी इसमें सीधे सीधे बन गए, 5 5 25, 25 और 1 26 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 25, 5x कॉमन आ गया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 5 और दूसरे का आंसर आ गया 1/5। ये वो हमारे पास रिक्वायर्ड इसका सॉल्यूशन आ गया यहाँ से। तो वो देखें हमारे पास इनवर्स में ही आए हैं दोनों, एक एक दूसरे के दोनों एक इनवर्स ही हैं, तो क्योंकि उसने पहले बोला था इनवर्स में ही आएंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अगर बोलते हैं एडिटिव इनवर्स तो फिर क्या आंसर आएगा? अगर इसमें बोला होता है एडिटिव इनवर्स तो उसमें आंसर, माइनस फाइव हाँ, अगर एक एक्स है तो दूसरा माइनस एक्स होगा, फिर उसमें उन्होंने कहना था इनका प्रोडक्ट, क्योंकि जब इनको जमा करना था वो तो जीरो बन जाना था, फिर उसने कहना था प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कौन सा? क्वेश्चन नंबर फाइव सर, नंबर एक्सीड इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, फाइनल नंबर। ठीक है, एक नंबर है वो एक्सीड कर रहा है स्केयर रूट और बाय 56। 56 हाँ 56, लेट कर लिया हमने एक एक्स नंबर है उसका स्केयर रूट हमारे पास ये आ गया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन वो कह रहा है नंबर एक्सीड कर रहा है, एक्सीड किससे कर रहा है? इस जो नंबर है वो अंडर रूट और 56 के सम से, ये वाली वैल्यू।
इधर से हमारे पास आप इनका स्केयर कर लो, बोथ साइड स्केयर इधर से करोगे तो इधर फिर हमारे पास वैल्यू आ जानी थी। इसने क्या किया, अंडर रूट एक्स को एक तरफ रहने दिया, वो 4.2 वाला एक्सरसाइज जब हमने की थी 4.2, उसमें हमने ये वाले क्वेश्चन किए थे। वो वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि अंडर रूट वाली टर्म एक तरफ लेके जाते हैं हम और दूसरी टर्म सारी एक तरफ, एक्स माइनस 56 अंडर रूट एक्स एक तरफ रहा, दोनों तरफ जब हम स्केयर रूट करेंगे, स्केयर रूट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इधर बन जाएगा एक्स स्केयर, इसका मतलब वो फार्मूला लगा देंगे ए माइनस बी वाला। तो इधर से इक्वेशन हमारे पास काफ़ी लेंथी बन गई हमारे पास। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे ये आ गया हमारे पास, यहाँ तक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमने देखना है कि हमारे पास पेयर बनाने हमारे पास मुश्किल हो जाएंगे, मतलब आप लगे रहोगे उधर पेपर में ना पेयर बनाने। तो आपके पास सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जस्ट उसमें लिखें, वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करने के बाद आप आंसर निकाल लें, नहीं तो आप लगे रहेंगे पेपर पूरे में ना। लेकिन ये पेपर में ये वाला आता नहीं है क्वेश्चन, ये वाला वो जो आपको पहले दो तीन करवाए ना नॉर्मली वही इनमें से आ जाता है, रेसिप्रोकल वाला 26/5 वाला या वो दूसरा एक और। इसके अलावा हाफिज साहब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? हाफिज साहब नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर हुज प्रोडक्ट इज 132। टू कंसेक्यूटिव नंबर जिनका जिन हुज प्रोडक्ट इज 132, हुज प्रोडक्ट दोबारा स्टेट प्रोडक्ट इज, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर हुज प्रोडक्ट इज 132। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं यस सर क्वेश्चन नंबर 6 है। हां वो साहब ने 7 नहीं कहा था, चल 6 पे आ जाते हैं। टू कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होंगे, मतलब ये देखें, ये आपके पास अगर x से एक नंबर है तो उसका कंसेक्यूटिव अगला नंबर क्या होगा, उसमें ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट नंबर ही आएगा ना फिर। अगर हमारे पास इधर होता x माइनस 1 तो अगला नंबर कौन सा होना था, x, मतलब टू कंजक्टिव नंबर। लेट्स सपोज अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो ये नंबर 2 बनेगा, अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं ये 3 बन जाएगा, अगर इसमें 3 पुट करते हैं तो ये 4 बन जाएगा। टू कंजक्टिव नंबर इस तरह बनते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू कहते हैं 132 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 32, 11 को ये 12 और 11 इसके पेयर, ये मेरे ख्याल में उसमें भी है आपका जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन है। तो इधर से सीधे सीधे पेयर बन गए, 12 को 11 से जरब दे तो 132, और 12 में से 11 निकालें तो हमारे पास आंसर आता है 1x। तो इधर से पेयर बन गया हमारे पास, इधर से पेयर बनने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन है वो ये बन जाएगा x प्लस 12 और x माइनस 11, x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू 12। यस सर बस खत्म हो गई एक्सरसाइज, बस खत्म हो गई जी सर। सर एक गुजारिश है जी, जी एक मिनट, जो जो फोर्थ चैप्टर है वो तो हमारा हो गया वाइंड अप जी। यस सर, सर 25 मिनट हो गए, हम अपना केमिस्ट्री का टेस्ट तैयार कर लें नेक्स्ट पीरियड में। चलें सही है भाई।